मानी क्यों पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और समझ रहे थे, आज की वीडियो में उसके आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और समझेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तक हुआ था, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 10। निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए, ठीक है। इसमें रोमन में करके क ख ग करके इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है इसके बारे में हम लोग को टिक लगाना है, ठीक है। देखिए क में दिया है, कागज के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पर कागज की कटोरा में पानी डालकर गरम करने पर कागज जल जाता है, यह क्या है, सही है कि गलत है। देखिए आप लोग को पहले भी बता चुके थे, इसके बारे में समझिए कि कोई काड़ा कागज ले लीजिए, उसके उसको थोड़ा गोल बना दीजिए और उसपे क्या कीजिए, उसपे पानी रख के जैसे उसको गर्म कीजिएगा ना, मोमबत्ती वगैरह कुछ भी गर्म कीजिएगा तो तुरंत ही उसमें पानी थोड़ा बहुत गर्म हो सकता है, लेकिन क्या होगा वो कागज बिल्कुल नहीं जलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, कागज के कटोरों में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है, नहीं, कागज वो क्या होगा, नहीं जलेगा। तो यह आंसर इसका जो क्वेश्चन जो है यह क्या हो जाएगा, यह सही है कि गलत है, इसमें टिक लगाना है। तो क्या है यह, गलत है, ठीक है, या ऐसे यहाँ पे हम लोग चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, तो आपको पहले भी बताए थे कि दहन के लिए या किसी भी पदार्थ जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता बिल्कुल चाहिए, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी चीज को हम नहीं जला सकते, ठीक है। तो यह क्या होगा, यह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, ठीक है। गौर में देखिए क्या दिया गया है, लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, लाल फास्फोरस कमरे की ताप पर आग पकड़ लेता है, यह क्या है, सही है कि गलत है। देखिए आप लोग बताए थे कि जो लाल फास्फोरस होता है
किसका कहाँ प्रयोग किया जाता है और सफेद फास्फोरस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये लाल फास्फोरस होता है ये जब तक इसमें घर्षण उत्पन्न नहीं करे तब तक ये नहीं जलेगा, ठीक है, साधारण ताप पर नहीं जल सकता है, काफी सुविधाजनक है, इसलिए इसको जो घर में यूज किया जाता है, जो माचिस की डिब्बी उस पर लाल फास्फोरस उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, तो ये जो है सिंपल से साधारण कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, कौन सा, तो सफेद फास्फोरस होता है। तो मैंने तो यह क्या होगा, तो यह बिल्कुल गलत होगा क्योंकि इसमें क्या दिया है, लाल फास्फोरस होता है, तो लाल फास्फोरस नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, यहाँ पे अगर सफेद फास्फोरस दिया होता तब इसका आंसर क्या होता है, तो सही होता। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग जानेंगे घर में दिया गया है, घर में है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चूने के पानी में, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड पीने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने के पानी दुधिया हो जाती है, चूने का पानी दुधिया हो जाती है। देखिए इसके बारे में भी क्लास में भी बताए थे कि जो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो उसका रंग जो होता है क्या होता है, दूधिया कलर का यानी व्हाइट कलर का हो जाता है। तो यह क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैंने आपको उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मंगल नंबर, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट, अम्ल और सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो यह क्या होगा, बिल्कुल सही होगा क्योंकि अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट ये आपस में इसको दोनों को प्रक्रिया कराएंगे तो क्या होगा जी, इसमें से कौन सा गैस उत्पन्न होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, जो आग बुझाने के लिए कहीं कहीं जो CO2 गैस सिलेंडर होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसी पे इसका क्या चीज अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया करती है और क्या चीज का निर्माण किया जाता है, CO2 गैस प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। मैंने उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, इसको आप लोग विस्तार पूर्वक लिख लीजिएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है,
उसके बाद जो है हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, तीर द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कितना नंबर है? कुछ ठीक है, तीर द्वारा उत्पन्न आग को, तीर द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है या किया जा सकता है। तो यह क्या होगा जी, आप लोगों को पहले भी बताए थे कि जब तेल से जब पेट्रोल डीजल आपकी ज्वलनशील होता है, इसमें अगर आग लग जाए तो आप पानी उसमें प्रयोग कीजिएगा तो और इसका ज्वाला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और बुझेगा नहीं, ठीक है, और काफी इसका ज्वाला तेज हो जाएगा। क्योंकि इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो जल होता है वह क्या होता है, तेल से भारी होता है, इसलिए उस पर अगर तेल पे जल जैसे ही फेंकिएगा तो वो तुरंत क्या करेगा और अधिक से अधिक और जलाने में सहायक होगा, इसलिए वो क्या है, बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन क्या है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जाता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल किया गलत है, ठीक है। तो